और चंद्रयान 3.0 से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बस 72 घंटे बाकी रह गए हैं और अब से ठीक 72 घंटे के बाद हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक नया इतिहास लिखने वाला है। चांद के सफर पर निकला चंद्रयान ठीक 72 घंटे बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग करने वाला है, जिसकी गवाह पूरी दुनिया बनेगी। लेकिन इस अच्छी खबर से पहले रूस से जो खबर आई है उसने थोड़ा लोगों को निराश भी किया है। चांद के लिए निकला रूस का लूना 25 चांद पर लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया है। चांद पर लूना 25 को कल यानी कि 21 अगस्त को लैंड होना था, लेकिन लैंडिंग से पहले लूना 25 का मिशन फेल हो गया। इन सब के बीच भारत के लिए एक बेहद अच्छी खबर ये है कि चंद्रयान 3 अपने निश्चित रूट पर है और स्टेप बाय स्टेप वो आगे ही बढ़ता जा रहा है। देखिए, चांद और चंद्रयान 3 के बीच अब सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी रह गई है। रूस के लूना 25 के स्थिति देखने के बाद ये समझना मुश्किल नहीं कि चांद पर जाने के लिए सबसे अहम होती है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग, क्योंकि लूना 25 को लेकर यही दावा किया जा रहा है कि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होती उससे पहले ही वो क्रैश हो गया। लेकिन चंद्रयान के साथ सॉफ्ट लैंडिंग की कोई समस्या नहीं है। चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग के लिए कैसे अब फुल प्रूफ तैयार हो गया है वो हम आपको दिखाते हैं। लिफ्ट ऑफ विल स्टार्ट इन T-10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. अद्भुत। अविश्वसनीय। अकल्पनीय। अपनी आंखों से इतिहास बनते देखेगी पूरी दुनिया। चांद के जिस हिस्से पर कोई नहीं पहुंच पाया वहां अब भारत पहुंचेगा। चांद के जिस टुकड़े को अभी तक किसी ने नहीं देखा इसरो दुनिया को साक्षात दिखाएगा। यह मुमकिन होगा चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग से। जिस वक्त चंद्रमा की सतह को भारत का चंद्रयान छुएगा उस वक्त भारत के आसमान में भले ही चांद डूबा होगा लेकिन भारत का लैंडर विक्रम चांद पर सूरज जैसे चमक उठेगा। इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 अहम मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद के दक्षिणी सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। Here we have a majestic lift off of LEM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft.
धरती से 384,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा जो रहस्यों से भरा है। दुनिया अब तक चांद के दक्षिणी ध्रुव से अनजान है। नासा का दावा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ ही बर्फ है, वहाँ कई तरह के प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, मगर दुनिया अब तक उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं है। लेकिन अब विक्रम लैंडर के साथ गया प्रज्ञान रोवर इसे मुमकिन कर देगा। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर 14 दिन तक चांद के दक्षिणी ध्रुव के हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मानना है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां सूरज की किरणें नहीं पड़ती। चांद के इस हिस्से में बड़े बड़े क्रेटर हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में गड्ढा कहा जाता है। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। नासा के मुताबिक गुप्त अंधेरे के बीच यहां बर्फ का जमाव हो सकता है। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है, जिसके अध्ययन से सौर मंडल से जुड़े और भी कई रहस्य खुल सकते हैं। तो चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग हो, इसके लिए इसरो ने पूरी तैयारी कर रखी है और इसके लिए विक्रम लैंडर में बहुत ही एडवांस लेंस भी लगाए गए हैं। लैंडर किस तरह के यंत्रों से लैस है?